अध्यक्ष बारामूला मीर मुश्ताक ने डीसी सईद सैरिश असगर बारामूला नौशेरा के दौरे के संबंध में और बैक टू विलेज फोर के बारे में बात की। इस अवसर पर बोलते हुए ने कहा कि एक अच्छा कदम है और सरकार का एक वैध निर्णय है। उन्होंने ये भी कहा कि डीसी बारामूला ने नौशेरा के लोगों का हौसला बढ़ाया है। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि सरकार का एक अच्छा और जायज फैसला है कि बैक टू विलेज 1, 2, 3 और 4 में भी आ गया। इसमें आज हमने वजाहत की, हमने कंप्लेंट्स भी करी थी कि फर्स्ट में भी कुछ नहीं हुआ, सेकंड में भी कुछ नहीं हुआ, थर्ड में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें ऐसा हुआ कि जब हमने मीटिंग्स की, फर्स्ट में जो डिमांड्स थी, सेकंड में वो उसमें प्लान बन गए और उसमें से बहुत सारे काम हो भी गए, कुछ कुछ काम बाकी हैं। आज सबसे पहले मैं इतना आपको कहूंगा कि डीसी मैम जो सैरिश असगर जी हैं, उन्होंने हमारे हल्का नौशेरा ए की हौसला अफजाई की। यहाँ के लोग सुबह से डोल नगाड़ों से उनका इस्तकबाल के लिए यहाँ सब खड़े थे और हमने आज मुतमईन हो गए पूरा कि हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ, जो नेशनल हाईवे से लेकर के हमको चोरखुडा तक ये गुलमर्ग का रोड मिलाना था, उसमें हमारा जो ये जो टूरिस्ट का भी, उसमें भी हमको मजदूरी मिलती हमारे गांव वालों को, इसमें दूसरा हमारे कई यहाँ पर पेंडिंग पड़े थे, कोई मसाइल पड़े थे, उसका आज अजाला हो गया। उसमें आज हम मुतमईन हैं कि डीसी मैडम ने और जो हमारे जो इसके ऑफिसर आए थे इसको हमारे जो बैक टू विलेज के, हमारे बीडीसी बुनियार, हमारे बीडीओ साहब, हमारे हर किसी महकमा का जो हेड था वो इसमें जिन्होंने शमूलियत की, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, महकमे माल से रिलेटेड हो, उन सब के तावन से एक बात बनी। इसका मकसद ही है बैक टू विलेज का, अवाम और ऑफिसर, अवाम और सरकारी ऑफिसरों को, उनको देखना था कि किस जगह पर खामी है, किस जगह पर हमारी और रिक्वायरमेंट है, कहां पर क्या करना है, जिसमें मैं खास तौर पर यहां रूरल डेवलपमेंट का था। हमारे मुतलका जो वीडियो साहब हैं, उन्होंने लोगों को मुतमईन उससे पहले भी कर दिया कि कौन कौन काम पेंडिंग पड़ा है, किस काम को उठाना है, उन्होंने भी वो आश्वासन दे दिया।